वीडियो को लाइक करें, प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लम्बर हेल्पर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मस्जिद में जो वजू खाना जो होता है, जहाँ पर बैठ के वजू बनाया जाता है, उसकी फिटिंग कैसे की जाती है। इसको फिटिंग करने का तरीका आज हम पूरा तरीका आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 इंची का SS का पाइप लगा रखा है, स्टील का पाइप है ये। और यहाँ पर हमने ये इसमें सीपी निप्पल भी होते हैं, इसको वेल्डिंग कर दिया है इसको चार तरफ से। और इसमें ये बिकॉक हमने लगा रखी है। यहाँ पर हमने एक इसको निप्पल लगा 7 इंच का निप्पल लगा के इसको वेल्डिंग कर दिया था। फिर हमने इसमें CPVC का FTA सॉकेट लगा करके इसकी CPVC की लाइन यहाँ से नीचे से जा करके सीधे वो चला गया है ममटी के ऊपर। टैंक हमने रख दिया है वहाँ पर, और एक वॉल हमने दे दिया है पानी बंद करने के लिए इसके अंदर। इसकी जो हमने इसके बीच में जो बिकॉक के बीच में स्पेज है वो लगभग 2 फीट से ज़्यादा है, 26 इंची है। यहाँ पर हमारी सिलेंडर में पूरी 14 टैंक टूटियाँ हैं, जहाँ जो कि यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में बैठ करके वजू बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको इसमें प्रेशर भी चेक करा देते हैं खोल के इसका। जैसा कि आप देखेंगे, ये अभी इसमें एयर निकल रही है। मैं सारी टूटियाँ खोल करके आपको इसका प्रेशर चेक कराता हूँ, कितना इसका प्रेशर रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी 14 की 14 पूरी टैंक टूटियाँ चालू हैं। इसमें प्रेशर आप देख लीजिए, तो दोस्तों आपने जाना कि मस्जिद में वजू खाने के लिए फिटिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर ये पूरा वेल्डिंग से ये किया जाता है, इसको वेल्डिंग वाला ये सब कुछ फिट कर देता है। हमें खाली प्लम्बर भाई लोगों को इसमें शॉर्ट बॉडी या लॉन्ग बॉडी या बिकॉक कोई भी बिकॉक इसमें टाइट करनी होती है, बाकी इसकी यहाँ से आगे की फिटिंग हमें करनी होती है सीधा टैंक तक। टैंक है वहाँ पर हमारा ममटी पे, जैसा कि आप देखेंगे ऊपर हमारा लगा हुआ है। बाकी हमने इस लाइन से और भी बाथरूम में फिटिंग कर रखी है, जैसा कि आप देखते होंगे सामने वहाँ पर टॉयलेट वगैरह बना हुआ है, और इसमें भी हमारी ये और रखी फिटिंग। यहाँ से ही हमारा समरसेबल की लाइन सीधी तो वो टैंक में पहुँच गई है। वहाँ से सीधा कनेक्ट करके हमने ये पाइप लाइन यहाँ से लिए, 7 इंची की लाइन, ये हमारी सीधी ऊपर टैंक में पहुँच गई है। और ये सामने बराबर में इसके 1 इंच की लाइन है, जो कि समरसेबल से बोर से ये सीधा टैंक को भरने के लिए पहुंच गई है। और यहाँ से हमने ऊपर का, जैसे कि आप देख रहे हो ममटी है, फ्लो टाइम लगा हुआ है, और ये हमने इसका ओवरफ्लो सीधे नाली में गिरा रखा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, और हमारे प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।